नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीधी जिले के मंझौली थाना क्षेत्र के बड़का डोल निवासी मृतक प्रदीप सेन पिता जमुना सेन का शव 21 नवंबर को बड़का डोल जंगल के किनारे दूसरे दिन बरामद हुआ था। मृतक ड्राइवर था जिसके द्वारा ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद हमारे द्वारा जिन लोगों पर हत्या की आशंका थी, पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की, नहीं तो खुलासा हो सकता था। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस आरोपियों को जानते हुए भी कार्यवाही करने से कतरा रही है। मंगलवार को मृतक के पिता जमुना सेन द्वारा जिला पंचायत में उपस्थिति होकर अपने आवेदन के माध्यम से कार्यवाही की गुहार लगाई गई है। इस मामले में जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में कार्यवाही जारी है। में आए रहे है न गाँव मामला रहा काहे का आए हैं हमारे लड़का के मदल रह गए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कब का घटना है, कब का रहा है मामला? 21 तारीख का, 21 तारीख के 11 बजे रात। अभी तक कोनो सुनवाई नहीं है, अभी तक कोनो सुनवाई नहीं होता है। का आशंका व्यक्त की जात है? आशंका व्यक्त किया है कि गाड़ी लेके लड़का आवत रहा, स्कूल तक गाड़ी लेके आया है, वह उनसे कॉल डिटेल से निकाल नहीं किया ऐसा है। वह बिटिया बतावा थी कि हमसे 11 बजे बात करी, गाड़ी स्कूल तक आई, स्कूल से गाड़ी में आगे गए न पाछे गए, तब कहाँ गए सर उन तक या ऐसा है पूरा प्रूफ पाए हैं। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं सर। अपना नाम? जमुना प्रसाद से हैं। निवासी बड़का डोल। शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत थाना मझौली के तहत जो लगभग 1.5 माह पूर्व जो है इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जो 302 के तहत हुआ था। इस पर्टिकुलर जो घटना स्थल है, चूंकि इसमें थाना प्रभारी भी गए थे और स्वयं एसडीओपी और उसके अलावा मेरे द्वारा भी इस घटना स्थल का अध्ययन किया गया है। इसमें जो भी तथ्य आए हैं उन सभी तथ्यों पर जांच की गई, जैसा कि आवेदन पत्र का अध्ययन करने पर उनके परिवारजनों के द्वारा जो है अन्य प्रकार के तथ्य भी इसमें बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी को इन सभी तथ्यों पर निर्देशित किया गया है कि सारे तथ्यों की जांच इसमें करें। चूंकि निश्चित रूप से यह केस जो है ब्लाइंड मर्डर है और इसमें क्या होगा कि अन्य जो हमारे जो टेक्निकल साक्ष्य होते हैं उन साक्ष्यों को भी संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा गांव से अन्य जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी इसका जो है प्रकरण का खुलासा। मृतक के परिजन व्यक्तिगत नाम बता रहे हैं कि फला व्यक्ति ऐसा किया है, लेकिन अभी मतलब कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए ऐसा है कि 302 का जो प्रकरण होता है उसमें कथनों के आधार पर सिद्ध कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे चीजों के लिए निश्चित रूप से क्या होगा, तथ्यात्मक जो हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए। उनके परिजनों के द्वारा जो भी आरोप इसमें लगाए गए हैं, जो शिकायत में उल्लेखित बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पर जो है 1 या 2 बार पूछताछ हो चुकी है। चूंकि पुनः इसमें जो है जिस प्रकार के तथ्य आए उसमें फिर क्या होगा पुनः पूछताछ करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही इसमें जो है एक टीम भी बना देंगे, जो टीम इस पर कार्य करेगी निरंतर।